हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में बात करेंगे कि कब और कैसे पढ़ना है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट, टाइम टेबल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप टाइम टेबल पहले से सेट करते हो, टाइम टेबल नोट करके रखते हो कि मुझे अगले दिन नेक्स्ट डे क्या करना है, मुझे कितने आवर की स्टडी करनी है एंड मुझे कितने बजे से कितने बजे तक पढ़ना है, तो जब आप नोट करके रखते हो तो आपके माइंड में ये पहले से फिक्स रहता है और आप इसके लिए तैयार हो जाते हो। ओके, तो स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आती है। स्टार्टिंग में आप 10 टू 12 आवर की स्टडी नहीं कर पाओगे, बट अगर आप धीरे धीरे से इंक्रीज कर सकते हो तो स्टार्टिंग में आप 2 आवर स्टडी करो, फिर आप धीरे धीरे से इंक्रीज करो, 5 आवर करो, 6 आवर करो, 7 आवर करो, 8 आवर करो, ऐसे ऐसे आप इंक्रीज करके 10 टू 12 आवर की स्टडी कर सकते हो और एक्स्ट्रा वर्क भी आप कर सकते हो साथ ही साथ। तो सबसे पहले आपको टाइम टेबल सेट करनी है। टाइम टेबल आपको क्या करनी है, तो मैं ये बोलूँगी कि जब आप स्टडी करने बैठते हो तो आपको एक ऐसी जगह को चूज़ करना है जहाँ पे आपको बैठ के अच्छा फील होता हो, आपको वहाँ पे बैठ के फ्रेश फील होता हो, आपका माइंड जो है वो ज़्यादा एक्टिव रहता हो, वैसे जगह को आप चूज़ कीजिए। और जब आप स्टडी करने बैठते हो तो आपको क्या करना है, जो भी डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है उसे आप साइड रखो एंड आप जब स्टडी करते हो तो आपको 45 मिनट का ही स्लॉट बनाना है। 45 मिनट आप प्रॉपर तरीके से स्टडी कर सकते हो, उसके बाद आपको 5 to 10 आवर का ब्रेक लेना है। ओके, स्टडी करने के लिए टेबल और चेयर का ही यूज़ करें। टेबल और चेयर पर जब आप पढ़ते हो तो आपका माइंड जो है वो प्रॉपर तरीके से काम करता है और कंसंट्रेट रहता है आपका माइंड। ओके, एंड आप जब स्टडी करते हो तो आप पानी की बॉटल रखो। पानी की बॉटल से आप क्या करोगे, अगर आप पानी पीते रहते हो तो आपका बॉडी क्या होता है, हाइड्रेटेड रहता है एंड माइंड क्या रहता है, फ्रेश रहता है। ओके, एंड डिस्ट्रैक्शन की चीज़ है जो उसे साइड कर दीजिए। जब आप 45 मिनट एक सही तरीके से पढ़ाई कर लेते हो फिर आपको जो करना है 5 से 10 मिनट आपको जो खाना है खा लीजिए, पानी पीना है पीजिए एंड आपको जो करना है आप 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेते हो तो फिर आप करो। ओके, बट अगर आप 45 मिनट जब पढ़ रहे हो तो कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं होनी चाहिए। जब आप 45 मिनट पढ़ रहे हो तो फिर आप कुछ भी नहीं करो, सिर्फ और सिर्फ अपने स्टडी पे कंसंट्रेट करो। ओके, उसके लिए आपको करना क्या हुआ, देखिए 2 टाइप के स्टूडेंट होते हैं। कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो लेट नाइट तक स्टडी करते हैं और कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करते हैं। तो लेट नाइट तक जो स्टडी करते हैं उन स्टूडेंट के लिए क्या है, आप ज़्यादा लेट नाइट तक स्टडी नहीं करो। अगर जब आप लेट नाइट तक स्टडी करते हो तो आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है, बिकॉज आप दिन भर जब काम करते हो, कुछ ना कुछ करते हो, तो आपका माइंड जो है वो दिन भर के काम से थक जाता है। माइंड उतना पावरफुल नहीं रहता है, जितना एक्टिव वो डे में रहता है उतना एक्टिव वो नाइट में नहीं रहता है। तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, ज़्यादा लेट तक आपको स्टडी नहीं करना चाहिए क्योंकि नींद भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप 7 आवर की नींद लेते हो तो आपका ब्रेन जो है वो नेक्स्ट डे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है, तो 7 आवर की नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपको, अगर आप लेट नाइट तक स्टडी करते हो तो आप 12 से 1 बजे तक ही स्टडी करो, उसके बाद आप सो जाओ, 7 आवर की आप नींद लो, 7 आवर आप स्लिप लो, 7 आवर की स्लिप लो एंड उसके बाद आप जब तो आपके उठने का टाइमिंग क्या होगा, जब आप 7 आवर की स्लीप लेते हो 12 से 1 बजे सोते हो तो आपको, आप 8 बजे तक ही उठोगे। तो आप 9 to 12 का एक फर्स्ट स्लॉट बनाओ, उसमें आपको क्या करना है, 9 to 12 आपको स्टडी करनी है और 9 to 12 आपको 9 to 12 की स्टडी करनी है, पर ये लगातार नहीं करना है, इसमें आपको ब्रेक लेना है। ब्रेक कैसे लेना है, 45 मिनट आपको स्टडी करनी है, उसके बाद आप 5 to 10 का ब्रेक लो, फिर आप 45 मिनट की स्टडी करो, फिर 5 to 10 मिनट की ब्रेक लो। ओके, एंड उसके बाद आपका ये जो फर्स्ट स्लॉट है वो हो गया एंड सेकंड स्लॉट क्या होना चाहिए, फिर उसके बाद आप जब 12 बजे तक पढ़ते हो उसके बाद आप लंच कर लो। लंच करने के बाद 2 से 5 का एक सेकंड स्लॉट बनाओ, उसमें आपको क्या करना है, अगर आपको सोने का मन है तो आप सो भी सकते हो, पर 2 बजे से 5 का एक सेकंड स्लॉट बनाओ। इसमें आपको क्या करना है, इसमें भी आपको 45 मिनट स्टडी करनी है एंड उसके बाद फिर आपको 45 मिनट फिर स्टडी करनी है। तो ऐसे आप ब्रेक ले लेके पढ़ते हो तो आपकी माइंड जो है वो फ्रेश रहती है, आपका माइंड जो है वो टैड फील नहीं करता है, वो फ्रेश रहता है एंड ज़्यादा एक्टिव रहता है अगर आप ब्रेक लेते हो तो। अगर ब्रेक नहीं लोगे तो फिर आप बोर हो जाओगे। ओके, एंड स्टार्टिंग में ऐसा
स्टार्टिंग में आपको ये हार्ड लगेगा, स्टार्टिंग में मन करेगा कि आप नहीं करो, स्टार्टिंग में मन करेगा कि मैं इतना नहीं पढ़ूँ, बट अगर आप करने लगोगे तो फिर आपकी ये आदत बन जाएगी। अगर आप 2 से 3 दिन भी करते हो तो फिर आपकी ये आदत बन जाएगी। ओके, एंड थर्ड स्लॉट होगा, फिर आपको क्या करना है, 5 o'clock में, 5 o'clock से 6 o'clock का ब्रेक लेना है। उसमें आप खेल सकते हो, खेलना है तो खेल सकते हो, आपको कुछ और करना है तो आप कुछ और करो, खाओ पियो, जो भी आपको करना है आप करो। ओके, एंड उसके फिर 7 o'clock से 9 o'clock की स्टडी करनी है, फिर 45 मिनट की स्टडी करने के बाद आपको ब्रेक लेना है। उसके बाद डिनर करके, अगर आप लेट नाइट स्टडी करते हो तो 12 o'clock तक आप स्टडी कर सकते हो, फिर 1 बजे तक स्टडी कर सकते हो। ओके, फिर आपको सो जाना है। जो अर्ली मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हैं उन्हें क्या करना है, अर्ली मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हैं तो आपको भी क्या करनी है, सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग वाले स्टूडेंट हैं तो वो भी 11 बजे तक तो सोते ही होंगे, उससे पहले तो सोते नहीं होंगे। तो अगर आप 11 बजे भी सोते हो तो आप 6 बजे ही उठ पाओगे, 6 बजे आप उठ जाओ। 6 बजे उठने के बाद आपको क्या करना है, आप फ्रेश हो जाओ, फिर 7 बजे से 7 o'clock से आप 7 o'clock से 9 o'clock का एक स्लॉट बनाओ और उसके बाद आप स्टडी करो, फिर आप वैसे ही करो, 45 मिनट पढ़ो, उसके बाद ब्रेक लो। ओके, एंड फिर आप सेकंड स्लॉट ये करना है, सेकंड स्लॉट आपको रखना है 10 o'clock से 12 o'clock, या फिर आप 1 o'clock का भी रख सकते हो। उसके बाद फिर आपको वैसे ही स्टडी करनी है, फिर आप लंच करो, फिर आप ब्रेक लो, फिर आप 1 आवर का ब्रेक ले लो, अगर आपको सोना है तो आप सो भी सकते हो। ओके, एंड उसके बाद आप क्या करो, अगर आपको मोबाइल भी यूज़ करना है तो मोबाइल भी यूज़ कर सकते हो, या फिर कुछ और करना है तो वो भी करो। ओके, एंड उसके बाद फिर आप 2 से 5 का एक स्लॉट बनाओ, 2 से 5 फिर आप स्टडी करो, फिर आप 5 से 6 ब्रेक लो, फिर 7 o'clock से आप 9 o'clock की एक स्लॉट बनाओ, उसमें स्टडी करो। तो आप इस तरीके से स्टडी कर सकते हो। और ये आप ध्यान रखो कि मुझे इतनी देर पढ़ना है और ये पढ़ने मुझे इतना देर स्टडी करनी है, और इतना देर आप स्टडी तभी कर पाओगे जब आप एक अपने डायरी में इसका एक रूटीन बना लोगे अपने। इतना देर आप तभी पढ़ सकते हो, इतने लेट तक आप तभी पढ़ सकते हो जब आपको अंदर से करने का जुनून हो, आपको अपने गोल को अचीव करने का जुनून हो, आपके अंदर एक आग हो, तभी आप इसे इस रूटीन को फॉलो कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगी गाइस कि आप जिस भी चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, जिस भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इस रूटीन को ज़रूर फॉलो करो। अगर आप फॉलो करते हो तो अभी इस टाइम में तो आप ऑनलाइन ही कोचिंग करते होगे, अगर आप कोचिंग भी करते होगे तो ऑनलाइन कोचिंग करते होगे, तो आप इस टाइमिंग में जो अभी टाइम चल रही है ये कोरोना का टाइम, तो आप इस रूटीन को आप फॉलो कर सकते हो, इस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो, आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। ओके, तो इस टाइम टेबल को आप ज़रूर फॉलो करो। एंड स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, मैं ये नहीं कर रही हूँ कि स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी, मगर 2 to 3 days अगर आप इसे करते हो तो आपकी ये आदत बन जाएगी, आप खुद पढ़ने लगोगे। और आप जब मॉर्निंग में नहीं उठ पाते हो तो आपके लिए मैं ये भी बता दूँ, अगर आपको मॉर्निंग में उठने में प्रॉब्लम हो रही है तो चैलेंज अलार्म क्लॉक ऐप है, चैलेंज अलार्म क्लॉक ऐप जो है इसमें क्या होता है कि जब आप अलार्म को सेट करते हो तो इसे ऑफ करने के लिए पजल को सॉल्व करनी पड़ेगी, तो जब आप पजल को सॉल्व करोगे तो आपकी नींद टूट जाएगी और आप उठ जाओगे। तो ये भी है आपके लिए, आप सबके लिए चैलेंज अलार्म क्लॉक ऐप है, इसे आप इंस्टॉल करके आप यूज़ कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना। थैंक्स।